आइए अजमेर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की सैर करें। कोलकाता स्टेशन से अजमेर जंक्शन की यात्रा और अजमेर से सियालदह स्टेशन तक की वापसी। आप अजमेर दरगाह जियारत और कुछ स्टेशन चट्टानों अढ़ाई दिन का झोपड़ा अन्ना सागर सलवार शरीफ और अजमेर बाजार की विडोज देख सकते हैं। रूट 12315 अनन्या एक्सप्रेस सप्ताह के एक दिन कोलकाता से उदयपुर सिटी तक चलती है। 12315 मेल एक्सप्रेस ट्रेन कोलकाता से 1:10 पे निकलती है और रात के 12:25 बजे उदयपुर सिटी पहुंचती है। ट्रेन कुल 35 आवर्स 15 मिनट्स में ये सफ़र तय करती है एवं यात्रा के दौरान 22 स्टेशनों पर रुकती है। कई मुसलमानों का मानना है कि जिस संत का वे अनुसरण करते हैं उसकी दरगाह पर प्रार्थना या सेवा करने के बाद उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त दरगाहों पर मन्नत फारसी सबाद अनुग्रह उपकार प्रशंसा के धागे बांधते हैं और लंगर के लिए योगदान करते हैं और दरगाहों पर प्रार्थना करते हैं। जन्नतुल दरवाजा स्वर्ग का द्वार एक चांदी से लेपित दरवाजा अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर के अंदर स्थित है और यह केवल भक्तों के लिए विशेष अवसरों पर ही खुलता है। अजमेर में मेला प्रसिद्ध है पुष्कर मेला कार्तिक मेला अक्टूबर से फरवरी ये महीने अजमेर में सर्दियों के मौसम का निर्माण करते हैं और इसे आने के लिए एक अच्छा समय माना जा सकता है। दिन का तापमान दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आदर्श होने के कारण अधिकांश पर्यटक इस दौरान इस पवित्र शहर की यात्रा करना पसंद करते हैं। अजमेर में सर्दियां आम तौर पर हल्की होती हैं और उतनी ठंडी नहीं होती। अजमेर के निकट स्थान पुष्कर किशनगढ़ जयपुर टोन शेखावाटी खिमसर नाथद्वारा उदयपुर जोधपुर जैसलमेर देशनोक सीकर रनकपुर दिल्ली आगरा वृंदावन सरिस्का रणथंभौर नीमराना बीकानेर हरिद्वार देहरादून और कई अन्य। राजस्थान का प्रसिद्ध नाश्ता लहसुन चटनी के साथ बाजरे की रोटी। सबसे लोकप्रिय राजस्थानी नाश्ता बाजरे की रोटी बाजरे के आटे से बनाई जाती है और लहसुन चटनी स्वादिष्ट लहसुन की चटनी। यह मुंह में पानी ला देने वाला संयोजन आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रख सकता है। बाजरे का आटा बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है और यह पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई चूरमा लड्डू एक लोकप्रिय राजस्थानी मिठाई है। यह मोटे पिसे गेहूं के आटे में चीनी या गुड़ मिलाकर बनाया जाता है। चूरमा लड्डू स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है। ये भी कहा जाता है कि यह भगवान की पसंदीदा मिठाई है। मस्जिद में लड़कियां को जाना है। इस्लाम के अनुयायियों के धार्मिक ग्रंथों सिद्धांत और धार्मिक विश्वास को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्तुत किया गया है कि मस्जिद के अंदर प्रार्थना नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति है। इस प्रकार एक मुस्लिम महिला नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है। क्या रात में अजमेर जाना सुरक्षित है? आधी रात को अजमेर पूरी तरह सुरक्षित है। मेरा सुझाव है कि कृपया किसी भी ट्रैवल एजेंसी को पहले से बुक कर ले ताकि उनका प्रतिनिधि आपको रेलवे स्टेशन से ले जा सके। यदि संभव न हो तो सुबह तक रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में ही रुकें। अजमेर में महत्वपूर्ण हालांकि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये शहर जैन धर्म के लिए भी जाना जाता है और एक अद्भुत स्वर्ण जैन मंदिर का घर है। अजमेर एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र भी है। अजमेर दरगाह गेट के बारे में विवरण प्रवेश द्वार पर निजाम गेट दरगाह का मुख्य द्वार है जिसके बाद शाहजहानी गेट है। इस दरवाजे के बाद बुलंद दरवाजा है जिस पर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बरसी उसकी रस्मों की शुरुआत के तौर पर उसका झंडा फहराया जाता है। अजमेर में द्वार किसने बनाया है? दरगाह के तीन द्वार हैं मुख्य द्वार या निजाम द्वार मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया शाहजहां द्वार और बुलंद दरवाजा। इस पवित्र मंदिर का एक और बड़ा आकर्षण पवित्र और स्वादिष्ट भोजन है जो भक्तों को परोसा जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह को भारत में सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है और यह अजमेर में एक प्रसिद्ध स्थल भी है।
फारस के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ विराजमान हैं। उनकी धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसके दरवाजे सभी धर्मों और धर्मों के लोगों के लिए खुले हैं। क्या हिंदू अजमेर दरगाह जाते हैं? जबकि अजमेर दरगाह मुसलमानों और यहाँ तक कि कुछ हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहाँ जाते हैं। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पीछे का इतिहास काफ़ी सहनशील भी है। अजमेर को मूल रूप से अजमेरू के नाम से जाना जाता था। इस शहर की स्थापना 11वीं सदी के चाहमान राजा अजयदेव ने की थी। इतिहासकार दशरथ शर्मा कहते हैं कि शहर के नाम का सबसे पहला उल्लेख पालहा की पट्टावली में मिलता है, जिसे 1113 CE 1170 VS में धारा में कॉपी किया गया था। अजमेर राजा 1192 में अपनी हार तक अजमेर पर दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा महान राजा पृथ्वी चौहान का शासन था। कई बार सत्ता परिवर्तन के बाद 1556 में अंततः अजमेर मुगल सम्राट अकबर के अधीन आ गया, जिसने इसे राजस्थान में अपने अत्यंत महत्वपूर्ण अभियानों के लिए मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया।